If you are doing the same thing and expecting the same result, this is called insanity. Albert Einstein. कि अगर आप सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अलग रिजल्ट आएगा, पॉसिबल नहीं है. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्रिएटिव बने, आप कुछ अलग करें. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बी क्रिएटिव, कैसे बने क्रिएटिविटी. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे तरीके, 7 ऐसे अनयूजुअल वेज जिसको यूज करके आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टे ट्यून्ड. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिदोष श्रीवास्तव. आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग कोच, सर्टिफाइड मेंटर एंड ऑथर ऑफ अमेजन बेस्ट सेलर स्मॉल टाउन बिगर ड्रीम्स. और इस चैनल पे हर वीक हम 2 वीडियोस लेके आते हैं जिससे आपको क्रिएटिविटी, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्टिविटी या ऐसे बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स पे नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले. तो अगर आपको इस तरीके का मटेरियल पसंद है, इस तरीके का कंटेंट पसंद है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. आइए शुरू करते हैं. जो क्रिएटिविटी है उसका बहुत सारा लेना देना हमारे ब्रेन से है. अगर आप रिसर्च करोगे और आप पाओगे कि हमारा ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक पार्ट है जो कि मोर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड है और दूसरा पार्ट है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है. दिस इज लाइक द आर्ट्स पीस ऑफ द ब्रेन. सो जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम कैसे दोनों साइड ऑफ द ब्रेन को यूज करके कुछ नया कर सके, कुछ बड़ा कर सके, कुछ बेहतर कर सके. तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये 7 तरीके बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं. पहला है कि स्टार्ट राइटिंग इन अ जर्नल. जब आप जर्नल करते हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन जर्नल इज राइट न्यू आइडियाज. तो रोज अगर आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं कि नहीं, मुझे आज अपने बिजनेस के लिए 10 नए आइडियाज लिखने हैं, आज मुझे अपने नेक्स्ट स्पीच के लिए 10 टॉपिक लिखने हैं, व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, योर ब्रेन सेल्स फायर एंड दिस इज वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग क्रिएटिव. आप खुद करके देखिएगा कि स्टार्ट डूइंग राइटिंग एवरी डे एंड देयर इज समथिंग. एंड आई एम गोना से आप डिजिटल भी नोट ले सकते हैं, बट पर्सनली आई प्रेफर राइटिंग ऑन पेन एंड पेपर. तो अगर आप पेन एंड पेपर का यूज करके नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि कुछ नए आइडियाज, खराब आइडियाज भी आएंगे, बट धीरे धीरे करते करते इफ यू डू इट रेगुलरली फॉर 20-30 डेज यू स्टार्ट गेटिंग सम अमेजिंग ब्रिलियंट आइडियाज. सो द फर्स्ट वे, स्टार्ट राइटिंग डाउन आइडियाज. नंबर 2, 2020 फरवरी में आई केम टू यूके एंड आई वॉज प्रीटी मच इन होम. एंड यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा था, इट अलाउड कि आप दिन में एक बार वॉक करने जा सकते हैं 20-30 मिनट के लिए. तो देयर वाज वन ऑप्शन कि मैं रोज उसी पार्क में जो मेरे घर के पास था वहाँ पे जाके पार्क करूँ. बट आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एवरी डिफरेंट कॉर्नर. मैं रोज कभी इस गली में जा रहा हूँ, कभी उस गली में जा रहा हूँ. एवरी डे मैं एक नया रूट एक्सप्लोर कर रहा था एंड उस टाइम पे मुझे पता नहीं था. बट देन आई फाउंड आउट थ्रू माई रिसर्च कि जब आप नए नए रास्ते एक्सप्लोर करते हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बाइक राइड कर रहे हैं, जब आप नए रास्ते एक्सप्लोर करते हैं, आपके ब्रेन के अंदर भी नए न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं. एंड जो मैंने बुक लिखी, आई बिलीव कि अ लॉट ऑफ दीज आइडियाज, कि मुझे बुक लिखना है, बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं, या मुझे और क्या क्या करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. तो आप अगर वॉक करने जाते हैं, राइड करने जाते हैं या ड्राइव करते हैं, ट्राई डिफरेंट रूट्स, इट विल डेफिनेटली स्पार्क सम क्रिएटिविटी. नंबर 3, एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू द सेकंड वन बट इन अ डिफरेंट वे, इट्स अबाउट फिजिकल मूवमेंट. ये नहीं मैटर करता कि आप वॉक कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बैडमिंटन कर रहे हैं, टेनिस कर रहे हैं, बट जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एज दे से मोशन क्रिएट्स इमोशन एंड इमोशन जनरेट क्रिएटिविटी. तो जब आप मोशन में होते हैं, जब आप कुछ नया ट्राई करते रहते हैं या किसी भी तरीके की आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दैट ऑल्सो स्पार्क्स क्रिएटिविटी. सो बहुत ही सिंपल, 3rd वे इज यूज सम फिजिकल मूवमेंट. नंबर 4, माई फेवरेट एंड दैट इज कॉल्ड मास्टर माइंड विथ पीपल. अगर एक आदमी करता है तो बस थोड़ा सा डिफरेंस बनता है, बट बहुत सारे लोग जब एक साथ करते हैं तो वो मूवमेंट बन जाता है. सिमिलरली ये जो मास्टर माइंड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठते हैं, अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं, उनके आइडियाज सुनते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ टू एंड फ्रो करते हैं, तो उससे बहुत सारी क्रिएटिविटी करती है. मैंने बहुत अलग अलग मास्टर माइंड ग्रुप्स कर रहा हूँ. मेरी खुद की कम्युनिटी है जहाँ पे हर संडे हाँ वी मीट एंड वी कनेक्ट एंड बहुत बार ऐसे भी मैं 3-4 लोग साथ में बैठ के, कभी जूम पे, कभी फिजिकली बैठ के अपने आइडियाज बाउंस बैक करते हैं. जब आप ऐसे लाइक माइंडेड पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे आती है. जब आप दूसरों से सीखते हैं, अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं, यू गेट सम फीडबैक, यू गेट समटाइम्स क्रिटिसिज्म, दैट स्पार्क्स योर क्रिएटिविटी एंड दैट propels you to do something different. Number 5, and that is called read, listen or watch from a variety of content. एक तो होता है कि आप टेक्स्ट बुक या आपकी इंडस्ट्री का हो, बट जब आप अलग अलग इंडस्ट्री के
लोगों के साथ मिलते हैं, जब अलग अलग इंडस्ट्री की चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, व्हेन यू गो थ्रू डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंटेंट, देन यू डोंट नो कि आपने कहाँ से क्या आइडिया मिल सकता है। तो हाईली रिकमेंड की यू रीड, लिसन एंड वॉच अ वैरायटी ऑफ कंटेंट, डोंट जस्ट बी कन्फाइंड टू वन जॉनरा, ट्राई आउट डिफरेंट एरियाज, दैट विल स्पार्क योर क्रिएटिविटी। नंबर सिक्स एंड दैट इज कॉल्ड हैव अ हॉबी, ट्राई आउट अ हॉबी। इट डज नॉट मैटर कि अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है, आपको सिंगिंग में है, आपको कुछ ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, बट ट्राई आउट सम हॉबीज, बिकॉज जब आप हॉबीज ट्राई करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों साइड, जैसे मैंने बताया लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों एक साथ फायर होते हैं एंड दैट ऑल्सो स्पार्क्स क्रिएटिविटी। अब यू गो इन टू दैट अल्फा स्टेट, अगर आपने सुना हो हमारे ब्रेन हैव डिफरेंट वेज एंड वन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड अल्फा वेव। आप जब अल्फा वेव में जाते हैं, जब आप एक ऐसी हॉबी में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आप डीप स्टेट में होते हैं, तो जब आप ऐसे डीप स्टेट में होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। तो सिक्स्थ वे इज ट्राई आउट अ हॉबी, अगर आपकी ऑलरेडी कोई हॉबी है उसको और एक्सप्लोर करिए, पर अगर नहीं है तो ट्राई आउट डिफरेंट हॉबी, डजेंट मैटर विच हॉबी, बट जब आप नई हॉबी ट्राई करेंगे आपके अंदर नई क्रिएटिविटी आएगी। And seventh and the final thing that I want to say is explore different industries. For example, अगर आप coaching से हैं तो connect with somebody from IT. अगर आप IT से हैं, connect with somebody who is in marketing and so on so forth. जब आप अलग अलग industries को study करते हैं, जब आप अलग अलग industry के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग industries के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग industry के बारे में research करते हैं, there are so many things that you can learn from different industries and that can really spark your creativity. So those were the seven ways you can spark creativity. Number one is writing down or journaling. Number two is trying different routes, alag alag tarike se walk karna ya drive karna ya ride karna. Number three, trying out physical activities. Number four, masterminding with people. Number five, reading, listening and watching from a variety of content. Number six is trying out different hobbies and number seven, exploring different industries. Aap comment karke batayega ki in saaton mein se aapko kaun sa wala आइडिया सबसे अच्छा लगा, कौन सा वाला आइडिया जिसने आपके दिमाग की बल्ब की बत्ती जला दी। सो डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हैव देम। एंड एज ऑलवेज अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज अरितो श्रीवास्तव, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देयर, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।